अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास फोर की जो उर्दू है उसका नाम है हमारा दस्तखत। दस्तखत जो हमारा बाब नंबर दो था, उसके हमने क्वेश्चन आंसर सब कुछ हमने ग्रामर वगैरह कर ली। आज जो हमारा काम है वो तहलीकी लिखाई है। तहलीकी लिखाई है कि जैसे कि कहानी लिखना, कहानी सुनना, जैसे बच्चे आपको पता है सुनना कहानी और सुनाना सबको पसंद है, लेकिन क्या आपने कहानी लिखने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो आए आज एक कहानी लिखते हैं। और कहानी लिखनी कैसे है कि आपने आपको एक हाका दिया जा रहा है, उस हाके को दो तीन मरतबा गौर से पढ़ें और आसान अल्फाज की मदद से कहानी लिखें। मतलब हाका दे दिया गया है, जो लाइनें आपको सामने नज़र आ रही हैं जिनके जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपकी बुक पेज नंबर 13 पे ये खाली है। आपने पहले ये जो पैरा दिया है इसको दो तीन दफ़ा उन्होंने कहा है कि आप गौर से पढ़ें और इसको आसान अल्फाज के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। और फिर क्या करना है, इस कहानी से क्या सबक हासिल हुआ आहर में लिखें और कहानी का इनवान जो है वो भी आपने देना है। तो ये आपका आज का काम था कि आपने कहानी लिखनी है। आपको पेज नंबर 13 पे एक वो दे दी गई है, एक हाका सा दे दिया गया है, जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा है। अनुमान के आगे जगह थी एक, वो पहले हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम खाली जो हाका है उसको देखेंगे। जो अंडरलाइन वर्ड है उनको हम छोड़ेंगे, जैसे अनुमान। दूसरा है, तैमूर बादशाह ने किसी शहर पर कई हमले किए, नाकाम रहा और मायूस हो गया। हाउस के किनारे बैठा सोच रहा था, एक चुनरी पानी में नजर आई। वो हाउस की दीवार पर बार बार चढ़ती और फिसल जाती, बार बार कोशिश करती रही और कामयाब हो गई। तैमूर उठा और हमले का हुक्म दिया, जंग जीत गया। इलाकी सबक, ये आपका जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अंडरलाइन जो लाइन है उसके बाद जो वर्ड्स हैं वो मैंने नहीं पढ़े, क्योंकि ऐसे ही हक्का आपका पेज नंबर 13 पर है। तो उसको आपने आसान जो लाइनें लगी हैं, अंडरलाइन जो दी खाली जगह दी गई है, उसको आपने जो है ख़ुद से आसान अल्फाज के साथ लिखना है। अगर आपको एक दफ़ा पढ़ने समझ नहीं आती तो आप दो तीन दफ़ा पढ़ें। अब हमने क्या करना है, वो जो कहानी है उन्होंने हाका दिया है उसको हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ना हम एक कहानी मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका जो अनुमान है वो तहलीक करेंगे। क्योंकि किसी भी कहानी को हम अगर ऐसे ही दे दें तो उसका अनुमान उसके मुताबिक नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने पहले हाका दे दिया हुआ है, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक कहानी देखेंगे क्या कहानी बन रही है, तो उसके फिर मुताबिक जो है वो लिखेंगे उसका अनुमान और फिर वो सब कुछ। ठीक है, अनुमान कई सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक, आप कोई भी एक लिख लें जो सूटेबल हो। तो अब हम दोबारा से पढ़ते हैं कहानी शुरू से, उसमें हम सारा पढ़ेंगे। तैमूर बादशाह ने किसी शहर पर कई हमले किए, लेकिन वो नाकाम रहा और मायूस हो गया। एक दिन वो हाउस के किनारे बैठा सोच रहा था कि उसको एक चुनटी पानी में नजर आई जो पानी में तैर रही थी। वो हाउस की दीवार पर बार बार चढ़ती और फिसल जाती। मेहनती चुनटी बार बार कोशिश करती रही और कामयाब हो गई। उसको देखकर तैमूर उठा और हमले का हुक्म दिया, अब की बार तैमूर जंग जीत गया। अब इसने कहानी में चुनटी को देख कर के, वैसे हिम्मत नहीं हारती, कैसे वो डटी रहती है एक काम पर, तो उसको देखकर तैमूर बादशाह ने भी क्या सोचा कि जो थक हार गया था कई हमले एक शहर पे करने के बावजूद, जब उससे नाकामी हुई तो थक गया था, लेकिन मैं चुनटी को देखकर उसने हिम्मत जो बांधी और फिर हमला किया। और फिर उसके बाद उसमें एक जोश और वलवला था, एक मेहनत ही एक उसके अंदर जज्बा था जिसकी वजह से वो जंग जीत गया। तो उसका इलाकी सबक ये है कि मेहनत में अजमत है। अब की बार उसने ज़्यादा मेहनत की थी, अपना जो सारा कहाँ ध्यान है वो अपनी जंग पर रखा था, इस वजह से वो जंग जीत गया था। तो इसका इलाकी सबक है मेहनत में अजमत है, और इसका जो अनुमान है वो मेहनत है। इसका अनुमान हिम्मत भी हो सकता है, ठीक है, हौसला भी हो सकता है, लेकिन इसका अनुमान मैंने रखा है मेहनत। आपको जो सूटेबल लगे इसके मुताबिक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका पेज नंबर 14 पे कहानी का नक्शा दिया गया है, उसको अब आपने, ये तो कहानी आपने इधर कंप्लीट कर ली, छोटी सी कहानी थी, थोड़े से लफ्ज़ लिखने थे और आपकी कहानी कंप्लीट हो जानी थी। ये काम करने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि हमने कोई भी कहानी कैसे लिखनी है और कैसे उसका जो मतलब इलाकी जो सबक है वो कैसे हम लिखते हैं। कहानी के मतलब ही जो हमें सबक मिलता है वो उसका इलाकी सबक होता है, उसका मरकज़ ख्याल होता है, और कहानी में जो कुछ हुआ होता है उसको जहन में रख कर हम उसे अनुमान देते हैं। तो जैसे कि कहानी कैसे लिखनी है, कहानी आपने खुद से कहानी लिखनी है,
कहानी में क्या कुछ होना ज़रूरी है। कहानी में सबसे पहली चीज़ अनुमान, कहानी का अनुमान होना चाहिए। नंबर टू है माहौल। माहौल कैसे होता है, माहौल हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। माहौल से मुराद कि कोई भी हम जब कहानी लिखते हैं उसकी तस्वीरों, जैसे छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं तो उसमें तस्वीरें होती हैं, तस्वीरों के ज़रिए हम माहौल शो करते हैं, या तो फिर हम अल्फाज के ज़रिए माहौल शो करते हैं कि मतलब जैसे ये कहानी तैमूर बादशाह की है तो ये किस ज़माने में हमें ले गई, पिछले ज़माने में ले गई है, तो अल्फाज ने हमें बताया। यहाँ पर कोई तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही लेकिन अल्फाज जो है वो हमें एक माहौल में ले गई जो कि तैमूर बादशाह के दौर का माहौल था। तो इस तरह जो माहौल होता है वो मतलब हम अल्फाज के ज़रिए माहौल क्रिएट करते हैं कि कौन सा माहौल है, किस वक्त का माहौल है, कि हम कहानी आज के दौर की लिख रहे हैं कि पिछले दौर की लिख रहे हैं, वो हम अल्फाज से ही जो है माहौल बनाते हैं। ठीक बच्चे, समझ क्लियर। अगला तीसरा वाला है हमारा किरदार। जैसे पिछली कहानी आपने पढ़ी तैमूर बादशाह था, उसमें चुनटी किरदार थी, तैमूर बादशाह किरदार था, और उसके अलावा उसके ज़ाहिर सिपाही वगैरह होंगे जो कि इस कहानी में, छोटी सी कहानी तो उसमें तो नहीं है। जैसे पिछला सबक आपने पढ़ा, सबक जो आपका था दस्तखत, उसमें अगर हम लें तो उसमें किरदार कौन कौन से थे। उसमें किरदार था एक लॉयस था, एक मेहमान था उसका, और दूसरा उसमें वो वेटर भी आता है चाय लेकर, वो भी उसमें किरदार था, और उसका भाई था एक जिसकी वर्कशॉप थी। मतलब चार किरदार थे, उसमें से दो किरदार जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे और दो ज़रा पैसिव थे, मतलब उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया। तो ये किरदार होते हैं, हम कहानी लिखते हैं जब सोचते हैं तो हमें उसका जो किरदार होते हैं उनका भी तय्यन करना पड़ता है कि ये वाले किरदार हमारी कहानी में होंगे। और जो हमारा चौथा काम है वो तफसील होती है। अब हमने अनुमान भी लिख लिया, माहौल भी हो गया, किरदार भी हमने अपने जहन में सोच लिया ना कहानी लिखने से पहले, अब हमने किरदार भी डिसाइड कर लिए क्या क्या होंगे, किस किरदार का क्या काम होगा और कौन सा किरदार किस तरह का होगा, ये हमने अपने जहन में बिठा लिया। अब तफसील है, तफसील में हम क्या करेंगे, तफसील में पहले शुरुआत होगी। जैसे कोई आप ड्रामा देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, तो इसमें शुरुआत होती है। शुरुआत में बड़ी मतलब वो एक सुकून सा दिखाया जाता है, एक मंजर सा पेश किया जाता है दिलचस्प अंदाज में, ताकि पढ़ने वाला जो है वो कहानी की तरफ और रगब हो। जैसे कि आप ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा में भी क्या होता है कि शुरुआत की जो एपिसोड्स हैं वो इस तरह से दिखाई जाती हैं कि जो देखने वाला है, अगर पहली एपिसोड अच्छी होगी तो मतलब उसके जो देखने वाले हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा मतवजा हो जाएंगे। तो ये शुरुआत बहुत जो है ना आपकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर दरमियान में तफसील जो चौथा हमारा पॉइंट है उसमें शुरुआत आएगा, फिर दरमियान आएगा। दरमियान मतलब अब हम जो हमारे जो सारे किरदार हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया है, इंट्रोडक्शन हो गया है उनका, कौन सा किरदार कैसा है कैसा नहीं है। तो मतलब ये जैसे आप ड्रामा को ही ले लें तो भी कहानी चल रही होती है, अब दरमियान आ गया, अब हर किरदार का पता चल गया है कौन सा किरदार किससे बिलोंग करता है और किसकी क्या साइकी है। अब उसके बाद तजस्सुस का अरूज, क्यूरियोसिटी। तजस्सुस मतलब कि अब हम अब आगे क्या होगा। जैसे कि हम कोई कहानी नावल पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर एक वो आता है ऐसा पॉइंट कि अब पता चलता है कि अब ये तो हो गया, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई थी कि ये होगा, अब पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे ड्रामास भी आप देखती हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ तक ये, हाँ ये हो गया, हम कुछ तक हम ये गैस लगा लेते हैं कि ये होगा, लेकिन एक ऐसा एक अच्छी कहानी का यही होता है कि तजस्सुस हो कि अब आगे क्या होगा। जिस कहानी में तजस्सुस होता है वो सबसे इफ़ेक्टिव स्टोरी होती है कि अब आगे क्या होगा। फिर एक कहानी में जो हमारी तफसील है उसमें तजस्सुस का भी एक पॉइंट आता है, तजस्सुस पैदा करना पढ़ने वाले में। और फिर उसके बाद इख्तिताम होता है कि ख़त्म हो जाना, अब तजस्सुस है क्या, दरमियान आया फिर तजस्सुस आया, और फिर वो तजस्सुस जब ख़त्म हो गया तो फिर कहानी भी ज़ाहिर है ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद उसका मरकज़ी जो ख्याल है कि मतलब क्या, जैसे पीछे हमारा इलाके सबक था उसमें हमने क्या सीखा, फिर मरकज़ी ख्याल आ जाता है कि हमने उसमें इस कहानी में क्या सीखा। तो ये कहानी थी, आप खुद से भी कहानी लिख सकते हैं, आप बैठें इसके लिए, आप अकेले बैठें और सोचें और कहानी लिखें, कोई भी ऐसी खुद से आप बना लें। ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ है या कोई रियल स्टोरी हो, आप उससे कोई कहानी बना लें, लेकिन आप इन चीज़ों को फॉलो करके बनाएं तो आपकी कहानी यकीनन अच्छी बनेगी। तो ये थी कहानी लिखने का अंदाज सा। तो ये आपने 13 पेज पे यही प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी छोटी सी है, और उसके बाद 14 पेज पे जैसे मैंने आपको समझाया है आपने कहानी लिखने की कोशिश करनी है। ये कुछ कहानी का नक्शा बता दिया गया है, रजिस्टर या कॉपी लें और खुद से कोई कहानी बनाएं जिसमें तजस्सुस भी हो, जिसमें ये नहीं सिर्फ कहानी सीधे सीधे से लिख दी है और तजस्सुस का कोई मतलब आरोज नहीं है, तजस्सुस भी होना चाहिए। तजस्सुस एक कहानी की सबसे बेहतरीन जो होती है ना वो होती है, पॉइंट बेहतरीन होता है। तो ये आपने काम करना है आज पे फॉर क्लास 13 और 14 पेज पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।